पाकिस्तान की नेता मरियम नवाज ने धर्म को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि भारत में लगातार उनकी जमकर तारीफ हो रही है। ये मरियम कौन है ये जान लीजिए। मरियम जानते हैं कौन है? ये है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी, जो इन दिनों लंदन में है मगर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, खास तौर पर हिंदुस्तान में। जानते हैं क्यों? और सवाल ये, ऐसा क्या बोल गई मोहतरमा कि आज भारत में इनकी जमकर तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें जमकर वायरल कर रहे हैं, और आखिरकार क्यों? तो सुनिए, मरियम की जुबानी सुनिए, उनका ये बयान सुनिए और ध्यान से सुनिए। मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहें पढ़ते हो, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफीन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। तो सुना आपने, मरियम ने एक रैली में क्या कहा? कहा कि मजहब आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। आप कितनी बार नमाज पढ़ते हो, ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये जुर्म और कभी कभी किसी ने नहीं किया। मरियम ने ये बात किस संदर्भ में कही और किस रैली में कही, ये बात अभी साफ नहीं है, मगर ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जिस वक्त भारत में कई जगह पर धर्म को लेकर अलग अलग तरह की बहस चल रही है, दलीलें दी जा रही हैं। ठीक ऐसे वक्त में भारत में ट्विटर यूजर मरियम के इस बयान को जमकर शेयर कर रहे हैं, मरियम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं मरियम को पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहें पढ़ते हो, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफीन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। वैसे तो मरियम और इमरान खान के बीच 36 का आंकड़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अगले कुछ दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, और सभी राजनेता इन दिनों पूरा जोर लगा रहे हैं। इन्हीं चुनावों के तहत पिछले कुछ दिनों में एक रैली को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज के नेता मरियम नवाज ने संबोधित किया था। इस रैली में मरियम ने इमरान खान को जमकर नताड़ा था और कहा था कि उनकी पार्टी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मरियम इमरान को निशाने पर लेकर अपनी बात बोल रही होंगी, जिस दौरान उनका ये बयान होगा, मगर उनकी बात हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफीन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। खैर, मरियम किसी भी संदर्भ में अपनी बात बोल रही हूँ, मगर बात तो उनकी बिल्कुल सच है, तभी तो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। मगर ये बात अगर वाकई में कट्टरपंथियों की समझ में आ जाए तो फिर मजहब के नाम पर लोगों की हत्या बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।